हेलो बच्चों, नीट प्लस के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। यानी कि अगर आपको करंट मेजर करना है और स्मॉल करंट मेजर करना है तो आप गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हो। फिर आपने देखा था कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर से और ज्यादा करंट मेजर करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम एमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। एमीटर कैसे बनाते थे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे। तो जब भी बच्चों करंट बढ़ाने की बात आएगी कि करंट कैसे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझते हुए चलें। सबसे पहले तो ये देखो, सपोज मैंने आपसे कहा कि यहां पर अपने पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस यहां पर कितना है, जी ओम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी ओम। और हम ये जानते हैं कि जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो आपको पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने पर इससे जो करंट पास होती है वो कितनी होती है, आई जी, यानी कि मैक्सिमम करंट हम कितना इससे पास कर सकते हैं वो क्या है, आई जी। तो बच्चों जब इससे मैक्सिमम करंट पास होगी, अगर मैं उस टाइम पर फाइंड करूं कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, तो अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। भाई करंट मैक्सिमम कितनी पास हो सकती है, आई जी, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, जी। यानी कि गैल्वेनोमीटर के जो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, आई जी इंटू जी। यानी कि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर वो कितना हो सकता है, आई जी इंटू जी। अब सपोज मैं आपसे कहूं कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या फिर मान लीजिए कि दो पॉइंट हैं और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस इससे काफी ज्यादा है, तो अगर मुझे इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए कि पैरेलल। तो एक बात समझो, जैसे अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, सीरीज में क्या होता है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ, बात समझना, गैल्वेनोमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस में सीरीज में लगा दूं, ठीक है, एक एक बात बहुत छोटे छोटे पॉइंट से समझते चलो कि गैल्वेनोमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस हमने कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है इस डिवाइस के अक्रॉस, ये कोई नई डिवाइस बन गई, भाई ये गैल्वेनोमीटर है लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूं तो ये बच्चों एक नई डिवाइस बन गई। हमें यह पता करना है कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। तो देखो, एक बात तो हमें पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इससे मैक्सिमम करंट पास होनी चाहिए, बताओ ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट इससे पास कर सकते हो, आईजी, ठीक है। अब सोचो जब आप आईजी करंट इससे पास करोगे तो एक तो गैल्वेनोमीटर है, दूसरा रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं केवल इसके लिए पूछूं तो कितना होगा, आईजी इंटू जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही IG करंट इस R से भी पास हो रही है, जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रही है वही R से भी पास हो रही है, तो इस R के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, IG into R। यानी बच्चों जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, IG into G plus IG into R। अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, IG into G, और जब आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, IG into G plus IG into R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ गया पहले से। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, और आपको मैं बताऊं ये जो डिवाइस हमने बनाई है कैसे बनाई है, कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ गया है, इस डिवाइस को हम जो बोलते हैं वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ये देखो कोई नई चीज नहीं है, मतलब अगर मैं आपसे सिंपल से ये पूछूं कि भाई मेरे पास एक डिवाइस है जो इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकती है
और मैं आपसे कहूं मुझे उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो और ज्यादा कैसे मेजर करोगे? जब उसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाओगे। यानी कि कभी भी आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा मेजर करना है, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन पे जाओ। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते जाओगे सीरीज में, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता जाएगा। तो अक्रॉस वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा बताइए? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना था? आई जी इंटू जी, है ना, ये तो पहले भी था। और आर के क्रॉस कितना है? आई जी इंटू आर, ये हो गया आई जी इंटू आर। यानी कि वोल्ट मीटर के क्रॉस नया पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा है? आई जी ब्रैकेट में कितना? जी प्लस आर, ठीक है। यानी कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास ही आ गया। अब पहली दो तीन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना। पहला पॉइंट ये कि हम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी आर इंक्रीज करोगे, आर इंक्रीज करोगे तो सोचो आर प्लस जी यानी कि ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो न्यू वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा आर होगा वोल्ट मीटर से उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाओगे। इसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे रेंज उतनी ज्यादा होगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हो जितनी ज्यादा रेंज का पोटेंशियल वोल्टमीटर होगा, जो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे केवल ये पूछूं, ठीक है, कि मतलब इसमें बस ध्यान रखना कि सेम गैल्वेनोमीटर से ना, सेम गैल्वेनोमीटर से आर बढ़ाते जाओगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेंज हो उतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक अपने पास मिली वोल्टमीटर है और एक अपने पास माइक्रो वोल्टमीटर है। एक सिंपल सा अगर डिफरेंस पूछा जाए, एक मिली वोल्ट मीटर है, एक माइक्रो वोल्ट मीटर है, और इन दोनों को हमने सेम गैल्वेनोमीटर से बनाया है, ठीक है। सेम गैल्वेनोमीटर से मैंने एक मिली वोल्ट मीटर बनाया, एक माइक्रो वोल्ट मीटर बनाया। खुद सोचो कि अगर गैल्वेनोमीटर सेम है, यानी आई जी और जी तो सेम हो गए, तो क्या होगा? जिसकी रेंज ज्यादा है इसका मतलब उसमें आपने ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है। अब बताओ रेंज किसकी ज्यादा है? मिली क्या होता है? 10^-3, और माइक्रो होता है बच्चों 10^-6। यानी कि रेंज किसकी ज्यादा है? मिली वोल्ट मीटर की। यानी रेजिस्टेंस भी किसमें ज्यादा होगा? मिली वोल्ट मीटर का। तो आप बोलोगे अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है और माइक्रो वाले का R2 है, तो आप बोलोगे R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, ठीक है, समझ में आता है पॉइंट? तो एक तो ये बात हो गई, है ना। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जी प्लस आर। कैसे भाई? गैल्वेनोमीटर को आर के साथ हमने सीरीज में लगाया था, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? जी प्लस आर हो गया। एक टर्म आता है आइडियल वोल्ट मीटर। जो आइडियल वोल्ट मीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अब इसका मतलब क्या है देखो, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। अब क्या मतलब है? सारे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इतना नोट डाउन करो। अब बच्चों हम इस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट क्यों लेते हैं। देखो पहली बात तो यह समझो कि अगर आपको किसी भी जगह पर करंट मेजर करना है तो आप क्या करते हो? सीरीज में लगाते हो। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यहां पर अपने पास एक सर्किट है इस तरह का, ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। एक सर्किट अपने पास है, यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है मान लो R1, ये रेजिस्टेंस R2, और यहां पर बैटरी का EMF मान लो E। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, बात ध्यान से समझना, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक वोल्ट मीटर लाओगे जिसका एक टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट करोगे, एक टर्मिनल यहां से कनेक्ट करोगे। अब देखिए होता यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने इस वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल को ऐसे से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? एक तो अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, बात समझना, तो ये सर्किट की करंट का कुछ पार्ट यहां पर क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। जैसे मान लीजिए सर्किट में कुछ करंट आ रही है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट वैल्यू पर होगा, बात समझना, जो भी करंट यहां से आए मान लो, तो इसका कुछ करंट इस वाले से जाएगी, मान लो यहां पर I1 इससे जाएगी और I2 मान लीजिए इससे चली गई, तो कुछ करंट ऊपर से गई, कुछ करंट यहां से गई। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहां पर कि RV की वैल्यू सपोज मैं बढ़ा दूं, सोचो अगर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, मान लीजिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैं बढ़ा दूं, तो जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट इससे जाएगी,
मतलब कि I1 की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उससे पास होने वाली करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। यानी सोचो कि अगर मैं RV को बढ़ाते बढ़ाते इन्फानाइट कर दूं, मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो कि सर्किट के, जैसे मान लीजिए 1 ओम है ये 2 ओम है, तो इसको आप 1000 ओम कर दो, 10000 ओम कर दो, है ना, बात समझ आ रही, बहुत ज्यादा कर दो। तो सोचो अगर RV की वैल्यू अगर मैं इन्फानाइट को अप्रोच करा दूं तो क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट हो जाएगा तो इससे जाने वाली करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि I1 किसकी तरफ भागेगा, जीरो की तरफ। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो आइडियल वोल्टमीटर है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट है या वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है, वो सर्किट से बहुत ज्यादा करंट विड्रॉ नहीं करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर लगाओगे उतनी कम करंट विड्रॉ करेगा, और जब ये कम करंट इससे पास होगी, कम करंट सर्किट से खींचेगा, तो सर्किट के ओरिजिनल करंट में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा वो एक्चुअल के काफी क्लोज होगा। बात समझ आई, मतलब कि जो ये मेजर्ड वैल्यू होगी वो एक्चुअल के काफी क्लोज होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम इन्फानाइट रेजिस्टेंस ले लें, इन्फानाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जैसे ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम की बात हो रही है, तो यहां पर आप 1000 ओम लगा दो, ठीक है, या 500 ओम लगा दो। तो अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट से बहुत कम करंट खींचेगा, सर्किट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो आप एक्चुअल वोल्टेज मेजर कर पाओगे या जो भी मेजर करोगे वो एक्चुअल के काफी क्लोज होगा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। चलो कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम क्या लेके चलते हैं, इन्फानाइट या फिर वेरी लार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आइडियल वोल्टमीटर ये भी कह सकते हो कि जो बिल्कुल भी करंट विड्रॉ ना करे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टमीटर जितना अच्छा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। ठीक है, तो एक तो ये था। अब इसके बाद जरा ये समझो, दो पॉइंट हो गए। पहला क्या मैंने बताया कि अगर एक ही गैल्वेनोमीटर से आप बहुत सारे वोल्टमीटर बनाओ तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा क्या देखा हमने कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस लगाया। एक बात और हमें समझ में आ गई कि मान लीजिए अपने पास कोई वोल्टमीटर है, ठीक है, और ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, और मैं कह रहा हूं नहीं मुझे और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीरीज में इसके साथ कोई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज ही मेजर कर पाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था अपना, कि अगर अपने पास आइडियल वोल्टमीटर की हमसे कोई बात करता है तो आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज या फिर इन्फानाइट हो। ठीक है, इन्फानाइट रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि ये सर्किट की करंट बहुत ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा, सर्किट में ओरिजिनल करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने देगा, और जब सर्किट की करंट ही चेंज नहीं होगी तो हम एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आते हैं, नोट डाउन करें, फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस अपने पास कितना गिवन है, 30 ओम। यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपने पास कितना बच्चों, 30 ओम। तो ये देखो, ये मैंने गैल्वेनोमीटर ड्रॉ कर दिया, इसका रेजिस्टेंस हम कितना लिखेंगे, 30 ओम। आगे क्या लिखा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर। यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से हम ज्यादा कितनी करंट पास कर सकते हैं, 2 मिली एम्पियर की करंट पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगी। आगे बच्चों हमसे कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम एक वोल्टमीटर बनाए जो 0.2 वोल्ट की करंट मेजर कर पाए। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर जरा चेक करना, अगर मैं आपसे पूछूं गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर सकता है, तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो ये कितना आएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट अपने पास कितनी है, 2 मिली है, यानी कि 10⁻³, और 30 ओम है, तो इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो अपने पास आया वो कितना, 2 × 3 कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 10⁻², है ना, या फिर आप इसको कितना लिख सकते हो, 0.06 वोल्ट। बात समझ आ रही, यानी कि 0.06 वोल्ट, इससे ज्यादा ये गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे सकता, जबकि हम कितना मेजर करना चाहते हैं, 0.2 वोल्ट। यानी हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना ही पड़ेगा जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए। बात समझ आ रही भाई, इसने कितना मेजर किया है, इसने मेजर किया 0.06 वोल्ट, और हम कितना मेजर करना चाहते हैं, टोटल 0.2। यानी इसको लगाने के बाद जो यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 0.2 वोल्ट। बात समझ में आ गई।
अच्छा देखो, सेम करंट इस रेजिस्टेंस से भी पास होगी, तो अगर सेम करंट इससे पास हो रही तो इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर मतलब 2 × 10⁻³ इंटू क्या कर दें आर, तो इधर इतना पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ऐड कर दें, ये तो जस्ट मैंने चेक करने के लिए आपको बोला था, है ना, इसका भी हम लोग बाद में यूज लेंगे, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना जाना चाहिए 0.2। देखो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस है, रिमेनिंग किसके क्रॉस है, आर के क्रॉस, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। तो चलो यहां पर इक्वेट करते हैं, ये अपने पास कितना है 2 × 10⁻³, है ना, और देखो यहां भी 2 × 10⁻³, तो दोनों को ऐड करोगे तो अंदर क्या आएगा 30+R, और बच्चों इधर अपने पास कितना है 0.2, तो बताओ यहां से 30+R कितना हो गया, ये हो गया 2 × 10⁻¹, तो 2 कैंसिल हो गया, 10⁻¹ यहां पर है, और ये कितना हो गया 10³, यानी बच्चों अपने पास ये कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 100, यानी कि 30+R की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो R बच्चों यहां से कितना आ गया 70 ओम। बात समझ आ गई, यानी कि अगर आप 70 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा देते हो, ये कितना था 30 ओम, यहां पर हम कितना लगा दे 70 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 100 ओम, भाई 70 लगा दो तो कितना हो जाएगा ये 100 ओम, और 100 × 2 मिली एम्पियर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 0.2 वोल्ट, यानी कि टोटल हम कितना मेजर कर सकते हैं 0.2 वोल्ट। ठीक है, बात समझ आ गई, तो इस बात पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कुछ गैल्वेनोमीटर ने मेजर किया, कुछ जिसने मेजर किया, टोटल ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, है ना। वैसे अगर आपसे अलग अलग पूछता कि गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर रहा है और आर कितना मेजर कर रहा, तो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों अगर देखो ये कितना आया 70 आया, तो 70 × 2 कितना हो गया ये 140, और 10⁻³ है, तो ये अपने पास आ गया 10⁻³, यानी कितना हो गया 0.14 वोल्ट, है ना। इतना किसने मेजर किया, आर ने, और अभी हमने ये फाइंड किया था ये कितना मेजर कर रहा था, ये अपने पास कितना आया था, ये हो गया 60 × 10⁻³, है ना। तो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 6 × 10⁻², या 0.06, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, तो 0.06 ये हो गया और 0.14 ये हो गया, बच्चों टोटल ऐड करो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो अलग अलग पूछे तो भी बता सकते हो, और केवल इसने तो हमसे आर की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी 70। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, एक मीटर है जिसको हम वोल्ट मीटर की जगह यूज करना चाहते हैं। ये कह रहा है एक अमीटर है जिसको हम कहां यूज करना चाहते हैं, वोल्ट। अब देखो आपको पता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है ना, जो जितना अच्छा अमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। हम इससे क्या बनाना चाहते हैं बच्चों, हम इससे बनाना चाहते हैं वोल्ट मीटर। तो अमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे, जब आप इस अमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस है ना, आर क्या होना चाहिए, हायर वैल्यू पे होना चाहिए, तो जब एक हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाओगे तब ये जो पूरी डिवाइस बनेगी वो क्या बनेगी, अपने पास वोल्ट मीटर बनेगी। तो ये कह रहा है कि अगर आप अमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो भी कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज में। तो हम क्या जाएंगे, किस आंसर के साथ जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, नोट डाउन करो। यहां पर बच्चों अपने पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास 3 वोल्ट मीटर है, और इन 3 वोल्ट मीटर में खास बात यह कि इन सबकी रेंज सेम है, जरा बात ध्यान से समझना, यानी कि ये सब इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस तक जा सकते हैं। मतलब अगर 1 वोल्ट मीटर सपोज 100 वोल्ट मेजर कर सकता है तो तीनों 100 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, यानी कि इन सब की जो रेंज यहां पर दी गई है वो क्या है, सेम है, रेंज सेम है सभी वोल्ट मीटर के लिए, ऑल वोल्ट मीटर्स। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई भाई, रेंज सबकी सेम है, रेंज सबकी सेम है। याद करो रेंज मैंने क्या बताया कि V इज इक्वल टू क्या था, आई जी, और यहां पर क्या था, जी प्लस आर, यानी कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई जो वोल्ट, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आगे क्या यहां पर बोल रखा है, बट द रेजिस्टेंस, क्या क्या रेजिस्टेंस दे रखे हैं तीनों वोल्ट मीटर के, एक का दिया है 10,000, एक का है 8,000, एक का है 4,000, यानी कि अगर हम आरवी की बात करें तो आरवी फर्स्ट कितना है 10,000, ठीक है, जो सेकेंड वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस अपने पास कितना है 8,000 है, ठीक है 8,000, और जो थर्ड वोल्ट मीटर है उसकी रेंज अपने पास कितनी बोल रखी, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4,000 है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा जो वोल्ट मीटर है वो बेस्ट होगा। देखो तीनों एक ही पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन तीनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो आपसे पूछा कौन सा अच्छा वोल्ट मीटर होगा, या फोर्थ ऑप्शन है,
कि सभी इक्वली गुड है। तो देखो एक बात, दो चीजों पर हमें ध्यान देना जरूरी है वोल्टमीटर में। एक तो ये होता है कि कौन ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, तो यहां तो तीनों ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, इन्फाइनाइट। क्यों? रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा सर्किट से उतनी कम करंट विड्रॉ करेगा, जिससे कि सर्किट की करंट को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस से फायदा क्या है कि वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के काफी क्लोज वैल्यू तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक है 10,000, एक है 8,000, एक है 4,000। तो हमें बात समझ में आती है भाई तीनों में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट वाले का। और जिसका रेजिस्टेंस बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा होगा वो अगर मैं सर्किट में यूज करूंगा तो वो सर्किट की करंट को इन दोनों से कंपेयर करें तो उतना ज्यादा चेंज नहीं होने देगा, यानी कि काफी ज्यादा एक्चुअल वैल्यू तक ये पहुंच सकता है। बात समझ में आ गई? तो अगर इन तीन में कंपैरिजन किया जाए, भले ही रेंज सबकी सेम है, बट अगर इन तीन में कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा सबसे अच्छा माना जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन अपने पास यहां पर है, देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इन द फॉलोइंग सर्किट। बच्चों हमें बताना है कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। बात ध्यान से समझना, अगर कुछ ना दिया जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो वोल्टमीटर अपने पास यहां पर हम यूज कर रहे हैं ये वोल्टमीटर कैसा है, ये वोल्टमीटर जो हम यूज कर रहे हैं वो आइडियल वोल्टमीटर है। ठीक है, इसको हम आइडियल मान के चलेंगे। अब बताइए आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, इनफाइनाइट। यानी इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी बच्चों कितना हो गया, इनफाइनाइट। अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। भाई इसका कुछ भी है उसके साथ जैसे ही इनफाइनाइट ऐड करोगे नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो सर्किट की करंट कितनी हो गई, जीरो। यानी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो जरा बात समझना, अगर सर्किट से करंट ही जीरो हो गई, मतलब यहां पर किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो सोचो अगर करंट फ्लो नहीं करेगी, मैं आपसे पूछूं इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये जो ये देख रहे हो ना, इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, करंट जीरो है, जब इसे करंट ही नहीं जा रही तो इधर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। इसका मतलब कि जो 6 वोल्ट है भाई, कुछ इसके अक्रॉस होना चाहिए था, कुछ वोल्टमीटर के अक्रॉस होना चाहिए, बचा हुआ इसके अक्रॉस। अब जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास जीरो आ गया, यानी ये पूरा 6 किसके पास आ गया, इधर आ गया वोल्टमीटर में। यानी कि बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई 6 पूरा का पूरा वोल्टमीटर के क्रॉस होगा, तो वोल्टमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 6 वोल्ट। यानी कि जो रीडिंग होगी हम कितना बोलेंगे, 6 वोल्ट है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपको रीडिंग का मतलब यहां किससे है, रीडिंग का मतलब यहां पर है कि वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें और क्वेश्चंस वोल्टमीटर के सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय।